नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेमेंटाइन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मेमेंटाइन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मेमेंटाइन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मेमेंटाइन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेमेंटाइन टैबलेट का उपयोग अल्जाइमर डिजीज होने पर किया जाता है। अल्जाइमर डिजीज एक दिमाग की बीमारी है। अल्जाइमर डिजीज होने पर याददाश्त का कमजोर होना, कुछ याद न रख पाना, सोचने और समझने में मुश्किल होना और कंफ्यूजन होना आदि लक्षण अल्जाइमर डिजीज होने पर हो सकते हैं। मेमेंटाइन टैबलेट अल्जाइमर डिजीज को क्योर नहीं करती है। मेमेंटाइन टैबलेट अल्जाइमर डिजीज के इन लक्षणों को केवल नियंत्रण करने व कम करने में मदद करती है। मेमेंटाइन एक सॉल्ट नेम है। मेमेंटाइन टैबलेट को एडमेंटा आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। मेमेंटाइन टैबलेट 5 mg व 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मेमेंटाइन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में मेमेंटाइन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, सिरदर्द होना, कब्ज होना और कंफ्यूजन होना आदि साइड इफेक्ट्स मेमेंटाइन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेमेंटाइन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मेमेंटाइन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में मेमेंटाइन 5 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर मेमेंटाइन 5 mg टैबलेट को दिन में दो बार या मेमेंटाइन 10 mg टैबलेट को भी दिन में दो बार लेने की सलाह दे सकते हैं। मेमेंटाइन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको मेमेंटाइन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेमेंटाइन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मेमेंटाइन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को मेमेंटाइन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वैसे मेमेंटाइन टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं को मेमेंटाइन टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि मेमेंटाइन टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेमेंटाइन टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका मेमेंटाइन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।